अवैध जमीनों पर कब्जा कर उन पर बनाई गई मस्जिदों के मुद्दे हाईकोर्ट में दायर किए गए। कई पर सुनवाई चल रही है तो कई फाइलों के अंदर बंद है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में बनी मस्जिद को 3 महीने में हटाने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता यूपी वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नवंबर 2017 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने उन्हें मस्जिद को परिसर से बाहर करने का 3 महीने का समय दिया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद नहीं हटाई तो हाईकोर्ट और अधिकारियों के पास पूरा अधिकार है कि वह मस्जिद को ध्वस्त कर सकते हैं।